सहवाग ने रिंकू सिंह को लेकर कह दी है चौंकाने वाली बात, कहा कि पूरे करियर में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाएगा दोबारा। बताएंगे पूरी जानकारी उससे पहले, अगर आप भी रिंकू सिंह को इस सीजन का सबसे घातक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुजरात टाइटंस के खिलाफ रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 5 गेंद पर 5 छक्के लगाकर केकेआर को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। रिंकू ने ऐसा कमाल कर हर किसी को मैदान में खड़े होकर तालियां बजाने को मजबूर कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और अब रिंकू को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कह दी है बहुत बड़ी बात। क्रिक बज के साथ बात करते हुए सहवाग ने रिंकू की तुलना सचिन तेंदुलकर और MS धोनी से कर दी है। सहवाग ने कहा कि KKR के लिए रिंकू एक फिनिशर की भूमिका में दिखाई देने लगे हैं और अब उनसे भी हर मैच जितवाने की उम्मीद सी जग गई है। दोस्तों सहवाग ने कहा कि जब सचिन खेलते थे उनसे भी इसी तरह की उम्मीद रहती थी। सहवाग ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, 90 के दशक में सचिन से हर समय उम्मीद रहती थी कि हमें वो मैच जिता देंगे और धोनी जब मैच फिनिश करने लगे तो उनसे भी ऐसी ही उम्मीद लगने लगी थी और अब KKR की टीम को रिंकू सिंह से भी ऐसी ही उम्मीद लगने लगी है और यही काम KKR के लिए पहले आंद्रे रसल किया करते थे। और सहवाग ने इसके अलावा ये भी कहा है कि रिंकू ने जो कमाल 5 गेंद पर 5 छक्के लगाकर किया है वो अब ऐसा कभी नहीं दोबारा कर पाएंगे। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, रिंकू भी अब ऐसा दोबारा नहीं कर पाएंगे। जो रिकॉर्ड बना है वह शायद टूट भी जाए लेकिन रिंकू अब अपने करियर में ऐसा कभी दोबारा नहीं कर पाएंगे। भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा कहा, इस पर अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसा करने के लिए आपको किस्मत की ज़रूरत होती है, यदि वहां अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी करते तो रिंकू को भी पता होता कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ नेट प्रैक्टिस पर यश दयाल के सामना किया है, इसलिए उनको उनके सामने खेलना होगा एकदम आसान लगता होगा।